हाय फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल पंकज इलेक्ट्रिक पर। आज देखेंगे हम एक फाइव पिन सॉकेट, एक दो तीन स्विच और एक रेगुलेटर से वायरिंग कैसे करें, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम स्विच की वायरिंग करेंगे। तीनों स्विचों के बीच में हम एक वायर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने लगाया है इन तीनों स्विचों को एक ही साथ में, एक ही तार में ऐड किया है। अब देखते हैं आगे की वायरिंग। देखिए फ्रेंड्स, आगे की वायरिंग में हमें करना क्या है, रेगुलेटर का एक वायर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने रेगुलेटर का एक वायर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगाया है। देखते हैं आगे की वायरिंग। आगे की वायरिंग में हमें करना क्या है, तीसरी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के एल वाले पॉइंट पर एक वायर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीसरी वाली स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के एल वाले पॉइंट पर एक वायर लगाया है। देखते हैं आगे की वायरिंग। आगे की वायरिंग में हमें बीच वाली स्विच के इस पॉइंट से हमें एक मेन वायर बाहर की ओर निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी वाली स्विच के नीचे वाले पॉइंट से एक वायर निकाला है मेन के लिए, और अब हमें सॉकेट से मेन वायर निकालनी है। इसमें हम तीन वायर निकालेंगे। सॉकेट के एन वाले पॉइंट से हम तीन वायर बाहर की ओर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सॉकेट के एन वाले पॉइंट से एक दो तीन वायर बाहर की ओर निकाला है। अब हम देखते हैं दूसरी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर बाहर की ओर निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर बाहर की ओर निकाला है। अब देखते हैं आगे की वायरिंग। देखिए फ्रेंड्स, हमने सॉकेट से तीन वायर बाहर की ओर मेन निकाला था, जो कि सॉकेट का एक वायर हमने रेगुलेटर के वायर को दोनों को ऐड कर एक हमने रेगुलेटर का वायर निकाला है बाहर की ओर, और दूसरा हमने स्विच के एक नीचे का वायर और एक सॉकेट का वायर, ये हमने मेन के लिए निकाला है, और तीसरा वायर दूसरी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के नीचे दूसरी सॉकेट के पॉइंट से हमने एक वायर बाहर की ओर निकाला है, जो कि ये हमारा होल्डर का वायर हो गया। अब देखते हैं इसमें हम होल्डर लगाएंगे। देखिए, हमने जो हमारा स्विच वाला और एक सॉकेट का वायर था उसमें हमने होल्डर लगा दिया है, और जो हमारा मेन वायर था यानी स्विच के नीचे वाले पॉइंट से और सॉकेट के इस पॉइंट से, उसमें हमने मेन वायर लगाया है टू पिन टॉप लगाकर, और ये हमारा जो रेगुलेटर का है इसको हमने खाली छोड़ दिया है। आइए चेक कर ले रहे हैं हमारी वायरिंग सही है नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वायरिंग सही होगी तो हमारा एलईडी बल्ब चलने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्विच से किया है और ये हमारा सॉकेट से है, जो कि ये हमारा बल्ब जल रहा है। धन्यवाद।